अस्सलाम वालेकुम। एंगलोर दो हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 इट्स योर एसएस सब्जेक्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। नाउ हियर इन हेरिटेज ऑफ इंडिया वी विल सी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडिया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। इंडिया जो है वो पुरानी संस्कृति का देश है। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संसति। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयन नॉर्थ टू द इंडियन ओशंस इन द साउथ। अगर शॉर्ट में हम कहें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया पूरा फैला हुआ है। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। नए जो डिसेंडेंट्स थे वो इंडियंस कहलाए थे। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष भारतखंड जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त एट्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन। तो इस तरह से जो है भारतखंड जो था पहले पार्टीशन से भी बहुत पहले की बात है कि ठीक है, तो उसे भारतवर्ष भारतखंड ऐसे नाम से पुकारा जाता था कंट्री को। आर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तीन तरफ ईस्ट वेस्ट और साउथ में ओशंस दिए हुए हैं ऊपर वाले ने, ठीक है, और उत्तर की तरफ नॉर्थ में हिमालय की पूरी रेंज दी है, जैसे कि पूरी बाउंड्री है। दूसरा देश जल्दी हम पर हमला कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। हिमालय की पूरी एक हमें एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है और तीन तरफ जो है दरिया दे दिया, यानी कि चारों तरफ से इंडिया जो है सेफ है। नेचुरल नेचर ने ही हमें ये सेफ्टी दी हुई है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेसमराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड सेटल्ड एंड मिंगल्ड विद इंडियन कल्चर। तो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग देशों से लोग जो है इंडिया की ब्यूटी से मेसमराइज हो जाते थे और वो लोग आकर्षित होते थे कि इंडिया में आए, व्यापार करें, यहाँ सेटल हो जाए और यहाँ की संस्कृति से मिंगल्ड हो जाए, उसके अंदर घुल मिल जाते थे। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। अब ये म्यूचुअल एक्सचेंज होने की वजह से आपस में जो आपले होती थी उस वजह से हमारे कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस और चेंजेस है और ऑल टुगेदर जो है एक विविधता में एकता जो है हमें दिखती है। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो है संस्कृति है वो हम देते जा रहे हैं और इसके अंदर कंटिन्यू जो है प्रोग्रेस विकास होता रहता है, ठीक है। मूविंग फर्दर इंडिया लोकेशन एंड एरिया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड द लोकेशन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड 9 में हमने एरिया और लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम आई हैव सेंड द वीडियो ऑल्सो ऑफ दैट। इट वॉज़ वेरी वास्ट इन एंशियंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड ऑन द 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd। तो फर्स्ट पे जो है पॉपुलेशन में बस्ती में चाइना चल रहा है और इंडिया जो है 2nd नंबर पे है, और एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा वो 7th नंबर पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, ये जो हम प्लेज बोलते हैं ना, इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियाज आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके अंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हमारा जो हेरिटेज है, हमको जो संस्कृति मिली है, जो हमें मिला है, वो एक बहुत वास्ट है, ठीक है, और अलग अलग वेराइटी है जिसके अंदर। आवर मदर लैंड हैज़ बिस्टोड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। मदरलैंड, मातृभूमि ने जो है हमें बहुत रिच एंड वेरिड हेरिटेज दिया हुआ है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इंडियन कल्चर जो रहा है पहले से भारतीय संस्कृति, वो एक ट्रेड ओरिएंटेड व्यापार की सोच वाली और शांति प्रिय रही है। सर चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये सारा जो है इंडियन कल्चर में दिखा है कि शांति से जीना है और समृद्ध जीना है, ठीक है। बहुत गरीबी वाली फीलिंग पहले कोई थी नहीं इतनी ज़्यादा। Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. और इसी के साथ साथ इंडियन कल्चर जो है वो दूसरे लोगों के द्वारा भी अपनाया गया और लोग जो है इधर आकर बसे हुए भी हैं। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. जो वैल्यूज़ जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो होती है, फिर अहिंसा है, ठीक है, शांति, ये सारा जो है इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को सिखाया हुआ है।
people right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. तो Indus Valley civilization की शुरुआत से ही लोगों ने जो है आज तक अपनी टैलेंट, अपने स्किल से और अपनी एबिलिटी से इंडिया को जो है रिच और वेल्दी बनाया हुआ था. इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस, सेज, साइंस, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर कल्चर. तो कितने सारे जो है साइंटिस्ट, सेंट्स, आर्टिस्ट, कितने ही विचारक, कितने स्कॉलर्स और कितने इतिहासकार हो चुके हैं इंडिया में, ठीक है, जिनका वर्क आज भी हमको देखने को मिलता है. कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. यू कैन आस्क इन वन मार्क्स ऑल्सो दैट वॉट इज़ कल्चर. सो कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन. एक इंसान के जो रहने का तरीका होता है, उनकी जो वैल्यूज़ होती है, मूल्य, ठीक है, उनकी आदतें, ये सारा जो है कल्चर में आता है. मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब है कि कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी जीने का तरीका. इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अक्कर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़. सो ये जो है चेंजेस इसके अंदर होता रहता है कि ये कल्चर जो होता है वो पब्लिक लाइफ, उनके समाज के जो रूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, ठीक है, और अलग अलग समाज की अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमंस टू द हाइएस्ट लेवल. एक ऐसी संस्कारी इसके अंदर एक ऐसी चीज़ों का एडिंग किया जाता है, ऐसी हैबिट्स, ऐसे मूल्य सिखाए जाते हैं, ऐसी परंपराएं होती है जो इंसान को आगे के आगे और हाईएस्ट लेवल पर लेके जा सके, ठीक है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, नाउ वी विल सी द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस. हमारे पिता, दादा, परदादा, ये सब की तरफ से जो हमें वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिले हैं वो सारा हमारे लिए हेरिटेज होता है. इंडियन हिस्ट्री इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हज़ारों सालों पुराना जो है इंडिया का इतिहास है. वी से इन स्कूल प्लेज आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्कूल प्लेज में गाते हैं कि मुझे मेरी कंट्री से बहुत प्यार है और मुझे इसके रिच एंड वेरिड हेरिटेज से पर बहुत गर्व है, ठीक है. इन दिस कंटेक्स्ट हेरिटेज इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है. मातृभूमि को जो है एक बहुत ही अच्छा एक नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है. नाउ वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू टू डिविजन्स. अब ये दो तरह के भी होते हैं कल्चर, हमारा जो हेरिटेज है वो दो तरह का है, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है. तो कल्चर जो होता है वो इंसान मिलकर बनाते हैं आपस में, जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है. ऊपर वाले ने तो सिखाया ही होता है कि हमें किस तरह से जीना है, ठीक है. अब इंसान अगर उसको जिए, ठीक है, और फिर उसमें क्या कमी है, क्या बढ़ावा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, वो सारा जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता, ठीक है. तो ये भी एक गिफ्ट है हमारे लिए, एक संस्कारी होना, ठीक है, एक कल्चर, एक संस्कृति मिलना, ये भी एक गिफ्ट होता है. सो फर्स्ट इज़ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि कुदरत की तरफ से जो मिला है वो, और सेकेंड इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो आप सेकेंड वाला समझ सकते हो कि ये सब मैन मेड, यानी कि इंसानों की तरफ से मिला हुआ. तो फर्स्ट वी विल सी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज़ नेचुरल हेरिटेज. हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप है नेचर का और पर्यावरण का और हमारा एक दूसरे के साथ, ये नेचुरल हेरिटेज है. हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड, बहुत वैविध्यता और बहुत विविधता आपको देखने को मिलेगा. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कितने ही तरीके के आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कितने ही तरीके के मसाले होते हैं. इंडिया, पता है ना आपको, एंशियंट इंडिया फॉरेन की कंट्रीज़ में किसके लिए फेमस था? उसका मसलिन जो कपड़ा होता था, कॉटन कपड़ा, सिल्क का जो कपड़ा होता था, अलग अलग मसाले होते थे, ये सारा पूरी दुनिया के लोगों को इसका जो है मैं कह सकती हूँ कि चटका लगा था कि वो लोग इंडिया आए बिना रह ही नहीं पाते थे, ठीक है. सो इन दिस वी कैन सी कि इंडिया में अलग अलग तरह के आपको लैंडस्केप्स भी मिलेंगे, कितने ही सारे अलग अलग चीज़ें हैं, कितनी जातियों के आपको वनस्पति देखने को मिलेंगे, कितनी जाति के वाइल्ड लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, बहुत अलग अलग तरीके का आपको खाना पीना, ठीक है,
फल, साग भाजी, अलग अलग तरह का बहुत कुछ देखने को मिलता है। और ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर फ्लावर्स जो है वो पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इतने ही अलग अलग तरह के फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और हर चीज़ का अपना ही एक स्थान, एक जगह है, ठीक है। सिर्फ यूँ ही नहीं उग गई, उसको अलग अलग इस्तेमाल भी किया जाता है उसका। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर आर ऑल नीड्स। हम कुदरत के ही बच्चे हैं, ठीक है। कुदरत ने ही हमें बनाया है, दुनिया में भेजा है, तो उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं भेज दिया, उसने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो हमारी जितनी ज़रूरत की चीज़ है वो सब कुछ हमें दिया है। वो तो इंसान जो है कि वो इच्छाओं का पुतला है, कि उसको जितना मिले उतना कम लगता है। बाकी ऊपर वाले ने अगर हमें दुनिया में भेजा है, ऊपर वाले ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है कि हम यहाँ पे आके उसकी इबादत करें, ठीक है, उसकी पूजा करें, उसकी बंदगी करें। और वो करने के लिए इंसान जो है एक मशीन है, ठीक है। जैसा कि एक गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, इंसान को भी इस तरह खाना पीना हवा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह अगर ऊपर वाले ने हमें दुनिया में भेजा है तो उसने हमारे ज़रूरत का खाना पीना खैर सारी हर चीज़ दे दी है। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, हमें जो है कुदरत को एक अच्छी इज्जत से और एक यकीन के साथ ट्रीट करना चाहिए। द एग्जाम्पल्स ऑफ आर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जटका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन। पुरानी जो कहानियाँ होती थी पंचतंत्र जैसी, वो सारा जो है उसके अंदर नेचर की बातें भरपूर की गई है। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार इंस्पिरियड ऑफ डे। कितने ही पुराने ज़माने के लोग जो है ऐसे कुछ मौके होते थे या सुबह होती थी तो एक अलग ही तरह के राग और प्रहार गाते थे, ठीक है। सिमिलरली आयुर्वेद यूनानी एंड नेचर की और ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये जो आयुर्वेद में यूनानी और नेचर केयर की जो क्योर की जो दवाएं होती है वो पूरा ही पूरा जो है नेचर पे ही डिपेंड है, पूरा एक मेडिसिन है नेचर के ऊपर। नाउ फर्स्ट इज़ लैंडस्केप। अगर हम नेचुरल हेरिटेज में देखते हैं तो पहला आता है लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। एक अलग अलग तरह की ज़मीन और उसके शेप्स की वजह से एक जो एक दृष्टि लायक जो सीन बन जाता है जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालय इज़ अ लैंडस्केप। हिमालय का एक अगर आप लुक देखो तो कैसा पहाड़ी इलाका पूरा आप एक सीन देख सकते हो, ठीक है, तो वो एक लैंडस्केप है। इट इज़ इंडोर्ड इंडियंस एबेंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। कितने ही ज़रूरत पूरी होती है हमारी हिमालय से, कितना सारा वेजिटेशन, कितना हम वहाँ पे से उगा सकते हैं सारी चीज़ें, कितने ही मिनरल्स हमें मिलते हैं। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। ये सारी बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ है, ठीक है, इतनी सारी खूबसूरत नदियाँ हैं और फ्रेश वाटर वाली, ठीक है, ये सारा हिमालय का गिफ्ट है। फॉरेस्ट ऑफ टेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर एग्जांपल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस। जो चार धाम की यात्रा जो की जाती है, जैसे मुस्लिम जो है मक्का मदीना हज करते हैं, ठीक है, इस तरह से हिंदूज में जो है चार धाम की यात्रा की जाती है, तो ये सारा हिमालय में ही तो है। सिंस एंशियंट टाइम हिमालयस इज़ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। और पुराने ज़माने से ही हिमालय जो है उसका इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा हुआ है। नाउ सेकंड वी विल सी रिवर्स, यानी कि नदियाँ। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स। रिवर्स ने जो है हमें पहले से ही कुदरती रास्ते जो है प्रदान किए हैं। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रवि। रावी और इंडस नदी के किनारे जो है इंडिया का कल्चर विकसित हुआ है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा है प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी नदियों का जो है इंडिया के कल्चर में बहुत सारा हिस्सा रहा है। रिवर्स आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज। पानी के रास्ते से जो है मुसाफरी की जाती है, फिर पीने के लिए हमारे रोज रेगुलर ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ये सारा हमें नदियों से ही तो मिलता है। समुंदर का पानी है, वाटरवेज में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। हमें जो ज़िंदगी गुजारनी है वो पानी तो हमें सिर्फ नदियों से ही मिलता है, और इंडिया के पास इतनी सारी नदियाँ हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी, खेती काम, ये सारा सब उसी पानी से पॉसिबल हो सकता है। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। इसी के साथ साथ रिवर एक और चीज़ के लिए भी हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्ले यूटेंसिल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, और फिर घर बनाना, ये सारा सब भी उसी के किनारे पर हो पाता था। रिवर
वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। नदियों का जो पानी है उसने इंसानों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और एकदम समृद्ध बना दी है। लैंडस्केप सीन्स एट डाउन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। दीज आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। कितना ही अच्छा नेचुरल, वो सारा हमें यूज़फुल भी है, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं और ऊपर से वो देखने में भी कितना अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट जो है उसका पूरा लैंडस्केप ड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, तो ये हर तरह से ब्यूटीफुल है, देखने में भी, यूज़ करने में भी, रहने में भी। राइट, नाउ थर्ड इज़ वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर इन्वायरमेंट लवर्स इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने से ही इंडिया के जो लोग रहे वो पर्यावरण प्रिय रहे हैं। इट्स प्रूफ इज़ देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। ये प्रूफ हमें इससे मिलता है कि हम जो है प्लांट्स और श्रब्स और ये फ्लावर्स से इतना प्यार करते हैं। आप देखना, ज़्यादातर घरों में ऐसे फ्लावर के और ये सारे प्लांट्स लगाए हुए ही होते हैं, कितने पूजा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। इंसान कितने और एनिमल्स और बर्ड्स तो है वो तो ट्रीज़ पर ही डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी पूरी उनकी। राइट, बनियान एंड पीपल ट्री एंड बसील आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तो ये सारे जो पेड़ है उसकी तो पूजा की जाती है इंडिया में। सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ने कितनों की पूजा की जाती है, कितनों से मेडिसिन बनती है, कितने खाने पीने में इस्तेमाल किए जाते हैं, कितनों से चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, नाउ हर डे आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एट्सेट्रा मेडिसिंस एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, तमरो मीन स्वीट बेसिन, सनफ्लावर्स, चंपा, जूई, जैस्मिनम एट्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। ये सारे जो खुशबूदार फ्लावर्स है ये सब की फीलिंग ही अलग है। ठीक है, इनकी स्मेल इतनी अच्छी होती है। ठीक है, और ये सब पूजा के काम में भी इस्तेमाल होते हैं। ये सब की स्मेल वाली अगरबत्ती होती है। ठीक, ये एक क्या होता है कि स्मेल जो होती है, अच्छी फ्रेग्रेंस जो होती है वो दिमाग की गिज़ा होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमको एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है और ये सबसे हमारी ज़िंदगी हेल्दी और समृद्ध हुई है। द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। और इस तरह से जो है हमारी सामाजिक और धार्मिक ज़िंदगी जो है इंडिया की, वो वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। नाउ फोर्थ इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया की, इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने से ही इंडिया जो है नेचर लवर यानी कि कुदरती प्रेमी रहा है। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। ज़्यादातर आपको एनिमल्स जो है डोमेस्टिक एनिमल्स कितने पाले हुए होते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बियर, डियर, सांबर, रेबिट, पाइथन, स्नैक, मैंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। कितने ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में ही आपको एशियन लायन जो है पूरी दुनिया में मिलेंगे। अ रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस व्हीकल टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ देवी देवताओं के जो वाहन की तरह जो है कुछ एनिमल्स और बर्ड्स का नाम लिया जाता है, जैसा कि टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स, ये सारे कितने ही भगवान देवी देवताओं के जो है व्हीकल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सवारी होती है। और नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाई हैविंग द फिगर ऑफ फोर लायंस, हॉर्सेस, एलिफेंट एंड बुल। हमारी जो करेंसी है, नेशनल करेंसी, पैसे के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर लायन, हॉर्स, एलिफेंट, बुल, उनकी भी फिगर होते हैं। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन इनएक्टेड। और इस तरह से जो है उनकी ज़िंदगियां संभालना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है और इसका रिजर्व करना भी हमारा एक इंडियन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम पर ये फ़र्ज़ होता है। नाउ सेकंड इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो लोगों की तरफ से हमको मिला है, जो हमारे बाप दादाओं की तरफ से और एक जो पहले के लोग हो चुके हैं उनकी तरफ से जो हमें मिला है, वो हम इसमें देखेंगे। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। इंडिया ने दुनिया को एक अलग ही तरह का एक हेरिटेज दिया है जो कि बहुत रिच और डाइवर्स है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। ये एक मैन मेड हेरिटेज है, इंसानों ने ही बनाया है। वट एवर इज़ रिसीव्ड और क्रिएटेड बाई ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज़ कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज।
जो भी इंसानों ने अपनी कलाकारी और अपनी अकल से और अपनी आवड़त से जो बनाया है अपने कौशल्य से, वो सारा कल्चरल हेरिटेज में आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हंस, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा कार्स एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। हर तरह के लोग इंडिया में आए हुए थे। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। और जो भी इंसान आता गया, जो जहाँ से आता था वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आता था और इंडिया का कल्चर तो था ही, ठीक है। तो दोनों की दूसरे से एक्सचेंज जो होता था आपले होने की वजह से जो है इंडिया में आपको ऐसी चीज़ें और ऐसी तरह का अलग अलग कल्चर मिलेगा जो कि दूसरी जगह नहीं मिलता। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्ट्रिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। तो ये सारा जो आर्ट, अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का ही जो इतिहास है वो कम से कम 5000 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उसके जो अवशेष आज भी जो बाकी है अगर, तो वो इसका एक सबूत है। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड मैन एंड द स्टैच्यू ऑफ अ डांसर, वन फील्स सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। जो अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है, जैसा कि डांसिंग स्टैच्यू ऑफ अ डांसर, नटराज की मूर्ति भी हो सकती है, ठीक है, एंड बियर्डेड मैन स्कल्पचर, और कितने ही पुराने देवी देवताओं के, इंसानों के, एनिमल्स के और कुछ टॉयज के जो है कुछ अंश मिल जाते हैं, जिस पर फिर रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि कितना ही जो है हाई लेवल का एक हेरिटेज हमको प्राप्त हुआ है। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, और द कालखन स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक्सेट्रा। बाई सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आर कल्चरल हेरिटेज। तो ये हर तरह की जो, जैसा कि अजंता इलोरा की गुफाएं हैं, और आप मुलाकात लो तो आपको पता चलता है कि ये पुराने लोगों का जो कला थी, उनके जो माइंडसेट थे, वो सारा हमको देख के पता चलता है। और ये सारी चीज़ें जो है कि एक बार इंसान ने मेहनत करके बना तो ली, लेकिन वो हज़ारों सालों तक फिर रहता है और लोग उसको याद करते हैं, तो ये कितने गर्व की बात है ना। नाउ कल्चरल हेरिटेज accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, vihars, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. Even historical places of our freedom movements like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Vardha, Shanti Niketan, Delhi etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. तो हमने हज़ारों साल पुरानी बात तो की, लेकिन हम एक साथ ही पुरानी भी अगर बात करें, ठीक है, जबकि अंग्रेज़ों का टाइम था तो उनको निकालने के टाइम पर जो गांधी जी और सब ने जो मेहनत की थी, तो वो जो शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम और वो सब भी तो हमारा एक कल्चरल हेरिटेज ही हुआ, ठीक है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या वारदात हुई है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, और जिस तरह से हम दिन पे दिन जो है आज़ादी के करीब होते गए थे, तो ये सारा भी हमारे लिए एक हेरिटेज ही है। बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्धशास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जुअलॉजी, बुटैनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, जुडिशियरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। ये सारा डिस्कवरीज, ये सारी शोध जो है इंडिया के द्वारा ही की गई है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो अगर हम एक समझें तो आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने ये ज़ीरो जो नंबर है वो शोध निकाला था, ठीक है। अगर उन्होंने उसकी खोज नहीं की होती तो आगे ज़ीरो के बाद 1 2 3 4, हम समझते हैं 1 से शुरू होता है, लेकिन नहीं, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 0 की शोध जो है इंडिया ने की, शुरुआत इंडिया ने कर दी, फिर आगे जो है काम चलता है, ठीक है। नाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, अब हम सिर्फ गुजरात के बारे में अगर हम देखें तो प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल, ढोलका तालुका, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ एट्सेट्रा। द प्लेसिस ऑफ पिलग्रीमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वर्डनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोटेरा, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मंजर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनारा मीन शेकिंग टावर्स, सिद्धि सैयद निजाली टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान,
पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। ये सारी जगहें जो है गुजरात की एक ये सारी देखने लायक स्थल देखने लायक जगहें हैं, ठीक है। ये सारा हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ये जो पहले के राजा महाराजा बादशाह कलाकारों ने जो हमको बना के यहाँ पे रख के गए हैं, वो सारा हमारे लिए एक कल्चरल हेरिटेज बन चुका है, ठीक है। और ज़्यादातर अहमदाबाद में आपको ये सारा हेरिटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस राजाओं की जो नस्लें जहाँ पे ज़्यादा विकास जिसका हुआ था वहाँ पे हमें ज़्यादा हेरिटेज देखने को मिलता है। सो हियर वी कैन सी मेनी प्लेसेस आर देयर ओनली इन गुजरात, ऑल्सो प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी नॉर्थ गुजरात, बहुचराजी, रणछोड़राय टेम्पल, डाकोर एंड श्यामलजी एट्सेट्रा। ये सारा इतने ऐसे नेचर की गोद में, यानी कि ये सारी चीज़ें और मंदिर और ये सारे एक्चुअली रिलीजियस प्लेसेस है, लेकिन इतनी नेचुरल जगहों पर है कि कोई भी एज अ पिकनिक भी यानी वहाँ पर जाकर वो जगह को फील कर सकता है। वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, तानारीरी फेस्टिवल, नॉर्थन डांस फेस्टिवल, रणोत्सव इन कच्छ एट्सेट्रा। ये सारा भी जो है पहले के टाइम से ही चला आ रहा है कि भाई कांकरिया कार्निवल जो है, फिर काइट फेस्टिवल, और पहले के टाइम से ही लोग करते होंगे तो आज तक कुछ अंश उसके बाकी है। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, वडनगर, तारंगा, खंबालिया, श्यामलजी, कोटेश्वर, तरजा, ढांक, झगड़िया एट्सेट्रा। ये सारी जगहों पर जैन और बुद्ध धर्म की जो रिलीजियस प्लेसेस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ वी विल सी फेयर्स ऑफ गुजरात, वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेसेस, हैंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड, सम इम्पॉर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग देम आर गिवन बिलो। तो गुजरात की ज़्यादातर प्लेसेस पे जो फेयर्स लगते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजियस सोशल इंपॉर्टेंस हर तरह का उसके अंदर इंपॉर्टेंस होता है, रिलीजियस भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादातर क्या है उसके अंदर खरीदने बेचने वाले काम ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है, जैसा कि कोई पूनम है, अमास है, ठीक है, ये सारी तिथि जो होती है ये सब के टाइम डेट ये सब के हिसाब से भी फेयर यानी कि मेले लगते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वाले भी होते हैं जो सिर्फ कोई दिन ही लगते हैं, जैसा कि हफ्ते का एक दिन हो, शनिवार हो, इतवार हो, ऐसे वाले फेयर भी जो लगते हैं वो भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये चार्ट में वी हैव गिवन द प्लेसेस इन वेयर इन गुजरात, ठीक है, ये सारी प्लेसेस जो है दीज आर द प्लेसेस ऑफ गुजरात इन विच फेयर्स आर हेल्ड, ओके। सो ये पार्ट वन इज़ ओवर, we'll see part 2 in next video, okay. I hope you have understood this. Love is